आप क्या बोल रही हो कि मेरे सामने आ जाए तो मैं मार के मुंह तोड़ दूं, चप्पल उठा के मारूं, गाल लाल कर दूं। उन्होंने बोला था ऐसा बात ना सोम्या जी ने? पवन जी ने फिर बोला कि श्रोता मेरा भगवान है, अब मैं ये गाना नहीं ला सकता। तो किसी एक के लिए वो लाखों करोड़ों अपने फैंस को नाराज नहीं कर सकते हैं। आप क्या चाहती हैं, सौम्या पोखरेल के साथ पवन सिंह का गाना आएगा या नहीं? नहीं आना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इनके जगह दूसरी मॉडल चेंज करके, सब कुछ वही रहे, बस मॉडल चेंज करके जहाँ जहाँ इनका सीन है इनको हटा के दूसरी मॉडल को रख, वो गाना रिलीज कर देना चाहिए। भोजपुरी में कहते हैं बिन पेंदी का लोटा, कभी इधर ढुरुकता है कभी उधर ढुरुकता है, तो वही हाल वो कर रही है। अब वो ढंगलाते कहाँ जाएगी ना खाई में, इसको पता ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में, हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ और आज हमारे साथ निशा तिवारी जी हैं। भैया फिल्में तो अगर आप देखते होंगे तो इनको बाखूबी से पहचान जाइएगा। ये वही शख्स हैं, कभी खेसारी लाल यादव जी की माँ बनती हैं तो कभी निरहुआ जी की, बहुत सारे तमाम स्टार की माँ का किरदार निभाती हैं। कैसी हैं? हम तो अच्छे हैं। सबसे पहले इस न्यूज के सारे दर्शकगण को मेरा प्रणाम है। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? एकदम मस्त है। मस्त है ना? हाँ। अच्छा ये बताइए, पटना में नजर आ रहे हैं वो भी गुंजन सिंह जी के घर पे, आप हमेशा क्लोजअप का प्रचार क्यों करते रहते हैं? अच्छा क्लोजअप का? हाँ, देखिए ना दांत हमेशा दिखता रहता है। हाँ वो जरूरी है प्रचार करना ना। और बताइए। अच्छा गुंजन सिंह जी के घर पे आए आज, कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? पैर से आना हुआ। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, गुंजन जी ने इनवाइट किया था जी। और वो हम लोग एक प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली हम लोग जुड़े हुए हैं, एक परिवार के सदस्य हैं वो हमारे। और मैं शुरू से उनकी माँ का कैरेक्टर करती चली आई हूँ, तो वो हमारे बच्चे जैसा भी है। हम लोग का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है एक दूसरे के साथ। तो उन्होंने इनवाइट किया, आज उनके मकान का गृह प्रवेश है। तो सुबह तो नहीं आ पाई लेकिन रात में समय मिला तो मैं आई, मिली, अच्छा लगा जी। बताइए भोजपुरी में खाली सबका, जितने भी स्टार हैं सबका माँ का ही रोल क्यों निभाती हैं निशा जी आप? नहीं नहीं मैं सिर्फ माँ का रोल नहीं निभाती, मैं भाभी का भी किरदार की हूँ, फौजी का, ब्लैक कमांडो का, मतलब कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ मैं। तो मैं सारा कैरेक्टर, लेकिन अभी के डेट में लोगों को माँ का कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए जो मिल रहा है वो कर रही हूँ। अच्छा एल्बम में क्यों नहीं सोचा कदम रखे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गई है। तो एल्बम में, मैं एल्बम से ही स्टार्ट की थी, मैं एल्बम से ही यहाँ पे आई हूँ। और सबसे पहले मैं एक सिंगर हूँ, उसके बाद मैंने एल्बम में कैरेक्टर का काम किया है, अच्छा अच्छा कैरेक्टर मैंने किया है माँ का, उसके बाद मैं मूवी में आई हूँ। अच्छा आप खेसारी जी की माँ बनी है, बाखूबी से एक लड़की को जानती होंगी जो सौम्या पोखरेल नाम है, नेपाल से आई थी। हाँ जानती हूँ। अच्छा अब उनकी तरह तो ये नहीं बोल सकती कि मैं इनको नहीं जानती हूँ, जानती हूँ सो जानती हूँ। अच्छा खेसारी जी के टीम से आउट हो गई, ये भी बात आपको पता होगा? देखिए अपना अपना बिहेव होता है, वो आउट हुई अपनी वजह से हुई, क्योंकि किसी के लिए अगर आप उसको दिल से मान रहे हो तो उसका टैटू टैटू बनवाने से कोई आपको लाइफ टाइम काम नहीं देने वाला है। काम आपको अपने जरिए मिलेगा और आपके अंदर जो हुनर है उसके जरिए मिलेगा। तो वो अगर सोची कि टैटू की वजह से काम देंगे खेसारी जी, तो खेसारी जी ने जितना कमिटमेंट किया था उतना उन्होंने पूरा किया। उन्होंने बोला था कि मैं आपके साथ सॉन्ग करूंगा, उन्होंने किया। उसके बाद खेसारी जी ने इनको रोका भी नहीं कि आप कहीं काम मत करिए, वो जहाँ पाई वहाँ उन्होंने काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रही है तो उसकी नासमझी है, और आगे मैं क्या बोलूँ। अच्छा पवन सिंह जी को बोली थी कि पवन सिंह को मैं नहीं जानता हूँ, उसके बाद बहुत बड़ा बवाल हुआ, उसके बाद पवन सिंह जी उन्हें माफ कर दिया, सरेआम स्टेज पे बोला कि चलिए मैं आपको एक गाने का ऑफर देता हूँ। हाँ मैंने देखा। तो ठीक है, कितना भी है पवन जी भी अच्छे इंसान हैं और उनका दिल अच्छा है, उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन उनके साथ जो ये की है, आपको भी पता है कि पवन जी एक ऐसे शख्स हैं जिनका गाना आउट ऑफ कंट्री में भी बजता है जी। ठीक है, भले वो एक ही सॉन्ग है, लोग ना जाने कि हाँ किसने गाया, लेकिन पूछने पे, अभी मैं गुजरात में गई थी, गुजरात में जहाँ पे गुजराती लोग बोलता है वहाँ के लोग ये गाना सुन रहा था और पवन जी का नाम जान रहा था। मैंने पूछा कि ये आप गाना भोजपुरी जानते हो, तो बोले कि हाँ ये गाना हम लोग का फेवरेट है, भोजपुरी में एक ही गाना हम लोग सुनते हैं, इसको पवन सिंह है कोई सिंगर जो गाया है। उसके बावजूद अगर इन्होंने बोला कि ये नहीं जानते हैं, अब क्या बोला जाए। तो पवन सिंह का दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने ये ऑफर किया, लेकिन अगर पूछा जाए
तो मैं भी ये नहीं चाहूंगी, आम पब्लिक भी नहीं चाहेगा कि उनके साथ वो काम करें, क्योंकि जो हमको पहचानने से भी इनकार कर रहा है, मुझे जानता नहीं, मेरे बारे में अगर पटांग बोला है तो एक बार मैं चाहूंगा, लेकिन अगर हमारे चाहने वाले नहीं चाहते कि मैं उनके साथ काम करूं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। पवन जी जो किए बहुत अच्छा किए हैं। अच्छा पवन जी तो उनको काम दे दिए, ऊपर से पता है क्या हुआ, जब फोटो वायरल होता है सेट पे से तो फैंस लगातार उनको उस फोटो का विरोध करते हैं और कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं कि भैया गाना नहीं आना चाहिए कोई भी कीमत पे। मैंने वही बात बोला ना, पवन जी ने फिर बोला कि श्रोता मेरा भगवान है, अब मैं ये गाना नहीं ला सकता, तो उन्होंने बहुत सही बोला ये चीज, किसी एक के लिए वो लाखों करोड़ों अपने फैंस को नाराज नहीं कर सकते हैं, और वो भी उस इंसान के लिए कि जो जगह जगह से फिर दूसरे को यूज करती चल रही है। जी। कभी खेसारी जी से काम हुआ, जो भी है सोमिया पोखरोल है कोई भी हो, जब तक आप खेसारी जी के पास नहीं आई थी तब तक आपको कोई नहीं जानता था, सच्चाई ये है। उन्होंने आपको हाईलाइट किया, उन्होंने काम दिया, वो मार्केट में लाए, तो चाहे आज वो अगर आपको एक गाली भी देता है लेकिन उनकी अच्छाइयाँ कैसे भूल गई आप कि उन्होंने आपके लिए किया है। तो आप क्या बोल रही हो कि मेरे सामने आ जाए तो मैं मार के मुंह तोड़ दूं, चप्पल उठा के मारूं, गाल लाल कर दूं। उन्होंने बोला था ऐसा बात ना सोमिया जी ने? जी जी जी। तो ये चीज बहुत गलत है। आज मैं बहुत सारे काम मैं खेसारी जी के साथ कर रही हूँ, बहुत फिल्में मैं कर रही हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन आगे अगर मान लीजिए कभी वो गुस्से में अगर मुझे कुछ अपशब्द भी बोलते हैं क्या उनकी अच्छाइयाँ मैं भूल जाऊंगी? नहीं नहीं। तो ये सोमिया जी ने बहुत गलत किया है कि वो पवन जी के पास आने के लिए, उनके करीब आने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए उन्होंने खेसारी जी को उल्टा पुल्टा बोला, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा शुरू में पहले तो ये चाल चलती है पवन सिंह जी को उल्टा पुल्टा बोल के खेसारी जी के साथ काम करते, फिर खेसारी जी से उल्टा पुल्टा बोल के अब पवन सिंह के टीम में काम करना चाहिए, लेकिन फैंस ये होने नहीं दिया। हाँ फैंस ने बोला कि अगर उनके साथ गाना आएगा तो फिर हम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि वो गाना रिलीज नहीं होना चाहिए, अब ऐसा ही हुआ। अच्छा आप भी हैं भोजपुरी की कलाकार हैं, आप क्या चाहती हैं, सौम्या पोखरेल के साथ पवन सिंह का गाना आएगा या नहीं? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मेरे से पूछे तो नहीं आना चाहिए। पवन सिंह छोड़िए ना, पवन सिंह के साथ आना चाहिए ना खेसारी जी के साथ, इनको अपने टैलेंट पे काम लेना चाहिए था जी। अगर ये अपना टैलेंट दिखा के किसी के भी साथ काम करती तो कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन ये टैटू बना के एक दूसरे का विद्रोह करके एक दूसरे को गाली दे के उल्टा अपशब्द बोल के अगर ये काम पा रहे हैं तो बिल्कुल ये सॉन्ग मार्केट में नहीं आना चाहिए। अब मैं ये चाहती हूँ कि इनके जगह दूसरी मॉडल चेंज करके, सब कुछ वही रहे बस मॉडल चेंज करके, जहाँ जहाँ इनका सीन है इनको हटा के दूसरी मॉडल को रख, वो गाना रिलीज कर देना चाहिए। वो होता है ना हम लोग भोजपुरी में कहते हैं बिन पेंदी का लोटा, कभी इधर ढुरुकता है कभी उधर ढुरुकता है, तो वही हाल वो कर रही है। अब वो ढंगलाते कहाँ जाएगी ना खाई में, इसको पता ही नहीं है जी, तो वही हाल उसका है। तो भैया अच्छा आपके फिल्में के बारे में अभी से हट के सवाल करूंगा, फिल्मों के लेके क्या कहेंगे, कौन सी फिल्में वे अभी आने वाली है आपकी? टीवी पे तो फिल्म काफी रिलीज भी हो रही है लगातार, अभी एक हॉरर फिल्म जी बायोस्कोप पे रिलीज हुआ है प्रीत का साया जी, उसके बाद अभी संघर्ष 2 आने वाला है जिसका ट्रेलर आया है, बहुत बड़ी फिल्म है खेसारी जी का जी। तो उसके बाद लाइन से काफी फिल्में है, अंदाज है, वो है प्रेम की पुजारन है, गॉड फादर खेसारी जी का है, अवैध, अभी मैं 2 फिल्म अवैध करके आई हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 वो आने वाला, सब में माँ का कैरेक्टर है। पवन सिंह जी के साथ कब काम कर रही हैं निशा तिवारी जी? अब पवन जी के साथ ऐसा नहीं है कि काम आएगा तो मैं नहीं करूँगी, बट है कुछ लोग जिनके दिमाग में जो उनके दिमाग में ये भर रहे हैं कि ये तो लगातार खेसारी जी के साथ ही काम करती हैं, खेसारी जी की सारी फिल्में जितनी आती है उसमें उनकी माँ का कैरेक्टर कर रही हैं और उनके गानों में भी कर रही हैं, तो कुछ लोग उल्टा सीधा, जब तक मैं उनसे मिल नहीं रही हूँ पर्सनली तब तक तो लोग बोल देगा या जो भी है, और 2-3 बार मुझे काम आया भी मूवी, लेकिन उस समय मैं दूसरे सेट पे हूँ और फोन आया तो मैं पहुँच नहीं पाई, तो बस यही है किस्मत का बात है, किस्मत में होगा तो उनके साथ भी काम करूँगी, ऐसा नहीं, हमारे लिए सब एक बराबर है। जाते जाते फैंस से क्या कहेंगी अपने फैंस से जो भी आपको जानते हैं इतना प्यार देते हैं? हाँ ये लोग प्यार दिए हैं मुझे और मेरे जितने भी एल्बम भी आ रहे हैं उस सबको आप लोग प्यार दुलार दीजिए, क्योंकि मैं सिंगर हूँ तो मेरा ऑडियो वीडियो भी आता है, और जितने भी स्टोरी सॉन्ग आ रहे हैं जिसमें मैं कैरेक्टर करती हूँ वो सब आप लोग देखते हैं, और मेरी मूवी अभी आ रही है संघर्ष 2 खेसारी जी का, उसका ट्रेलर आया है आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देखिए, फिर उसके बाद लगातार उनकी जितनी मूवी आ रही है, अभी फरिश्ते भी आया हुआ था उसमें भी मैं माँ के कैरेक्टर में थी,
आप लोग जितनी भी फिल्में आ रही हैं आप लोग देखिए, प्यार दुलार दीजिए और जो भी है कमेंट में लिखिए। अगर हमसे कुछ गलती हुआ है, मेरी बातों से आपको कुछ हर्ट हुआ हो या मैंने कुछ गलत बोला, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी कमेंट में लिखिए और बताइए, जिससे मैं आगे से वो गलती ना दोहराऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। निशा तिवारी जी थी इस वक्त, जो कि भोजपुरी के बहुत ही अच्छा कलाकार हैं ये, और प्लस गाना भी गाती हैं। भैया इनका गाना भी जाके एक बार यूट्यूब पर सर्च करके सुन लीजिएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहेगा भोजपुरी नेशन में। मैं हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर।